हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तुम्हारे कारण इंसानों का जीवन बहुत ही आसान हो गया, लेकिन तुम्हारे कारण ही जीव जंतुओं का जीवन जो है दुश्वार हो गया। तुम एक के लिए फायदेमंद हो तो दूसरे के लिए बहुत ही घातक हो। आखिर तुम्हारी क्या उपयोगिता है, क्या ये मैं समझ सकता हूँ? दोस्तों, जहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं परिवहन संचार की। आपको पता है कि परिवहन संचार जो है मानव सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो इसके बिना जो जीवन कल्पना करना संभव ही नहीं है। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ से पर्यावरण के अंतर्गत, तो परिवहन संचार ने जो है जीव जंतुओं को तहस से नहस कर दिया है। जहाँ कम्युनिकेशन की आपकी पता ही है कि हम 5G में आ चुके हैं, जहाँ पर पक्षियों को, पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। इवन कि परिवहन भी इनके लिए काफ़ी जो दुष्कम बना दिया है जीवन। तो कहते हैं अगर कम्युनिकेशन और संचार की बात करें या परिवहन की बात करें, तो एक के लिए फायदेमंद है तो दूसरे के लिए नुकसानदायक है। लेकिन इस बात को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। कहते मनुष्य का जीवन आसान तो हुआ है, लेकिन मनुष्य का जीवन और भी कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि इंसान अपनी जो है क्षमताओं को भूल रहा है। आज देखिए, घर से बाहर जाना है, मोटर स्कूटर गाड़ी लेके आप फटाक से निकलती हो, कभी आप पैरों को तकलीफ तक नहीं देती हो। तो सोचिए, जो रहेगा ऐसा ऐसा पड़ा हुआ तो क्या उसमें जंग नहीं लगेगा? सोचने वाली बात है। और संचार की बात करें तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि पशु पक्षियों का जीवन संचार के कारण तहस नहस हो गया है, क्योंकि हम 5G जनरेशन में आ चुके हैं। लेकिन क्या ये 5G का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता होगा? ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। तो क्या ये पक्षियों और जीव जंतुओं पर ही असर डालेगा? क्या इंसानों पर कोई असर नहीं होगा? आज जो लोग दो दो घंटा, तीन तीन घंटा जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, क्या ये सही है? क्या इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा आने वाला समय में? ये तो संभव ही नहीं है। सरकार ने जो रिचार्ज फ्री कर दिए हैं, आज एक लिमिट वाले पैसे भरवाइए और अनलिमिटेड कॉल कीजिए, जो ये सिस्टम है कहीं हद तक बेशकली जो है लोगों को बहुत काफ़ी फ़ायदा दिया, लेकिन ये फ़ायदा उनके जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है आने वाला समय में। कहते हैं कंपनी चलाने वालों को बेशकली जेब भर रही है, लेकिन आम इंसानों का जीवन तहस नहस हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से मैग्नेट रे निकलती है। और मैग्नेट रे, आपने कभी एक्सरे कराने गए होगे या अल्ट्रासाउंड कराने गए होगे, वहाँ पर जर्नलिस्ट ही बात करते हैं MIR में भी कि आप कोई भी लोहे के सामान जो है अपने जेब में रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट निकलती है। और एक और चेतावनी दिया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को जो है एक्सरे रूम में नहीं जाना चाहिए, MIR में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा भी होगा और साफ शब्दों में लिखा रहता है। क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं कि मैग्नेट पावर को समझते हैं कि भाई इससे बच्चे और माता पर बहुत बुरा असर पड़ता है? तो सोचिए, आप जो सुबह शाम मोबाइल में लगे रहते हो, तो क्या इसका मैग्नेटिक इफेक्ट आपको कुछ भी असर नहीं करता होगा? क्या गर्भवती महिलाओं को भी कोई असर नहीं करता होगा? सोचिए, विचार कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या बात सही है या गलत है। चलिए, ये बात तो जो सच्चाई थी उस पर हमने रखा, और त्रिपाण स्टडी सेंटर कभी भी कुछ अच्छाई बात होगी तो उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा, वो आपके साथ शेयर करेगा ही करेगा। ये त्रिपाण से सेंटर का रूल है, क्योंकि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ पर सब चीज़ सुचारू रूप से हो और सभी लोगों को जो है अच्छा सा अच्छा जीवन व्यतीत करे। चलिए, बात तो ये था आपके लिए समझ के लिए और समझदार बनने के लिए। लेकिन आज हम टॉपिक की बात करें परिवहन में संचार, देश की जीवन रेखा। आपको पता है कि परिवहन संचार जो कि अंग्रेज के टाइम भारत में आए, और जब अंग्रेज आए तो यहाँ पर उनको व्यापार करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने परिवहन का जो है बेतावियों से जो है यहाँ पर स्वागत किया और रेल का विकास किया, क्योंकि रेल से ही जो था
कोई भी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना बहुत ही आसान था। और पहला आपको पता है ये थाने में चलाया गया था, मुंबई से थाने के लिए रेल, और ये काफ़ी एक क्रांति का रूप धारण कर लिया। और कहीं हद तक अंग्रेजों का यहाँ से भागने का कारण भी रेलवे ही बना। तो रेलवे काफ़ी महत्वपूर्ण था और संचार तो और भी महत्वपूर्ण है। 1857 क्रांति अगर विफल हुई तो कहीं ना कहीं जो है तार की जो उस समय भेजी जाती थी इन्फॉर्मेशन, उसका कहीं ना कहीं हाथ जरूर था। तो कहते हैं परिवहन संचार किसी भी देश की जीवन रेखा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हद से अधिक प्रयोग करना जीवन रेखा को अंत करने का भी कारण बन सकता है। परिवहन संचार के साधन आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। क्या हम उनके बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। आज सुबह उठते हो सबसे पहले आपके हाथ आपके मोबाइल पे ही जाता है। आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको जो है परिवहन का ही इस्तेमाल करते हो, गाड़ी घोड़ा का ही इस्तेमाल करते हो। तो शायद इसको हमारे जीवन से निकालना अब कल्पना मात्र भी नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, यदि एक दिन आपको पता चलता है कि परिवहन संचार के सभी आधुनिक साधन ईंधन की अनुपलब्धता की वजह से बंद कर दिया गया है, तो कल्पना कीजिए आप किस तरह की समस्या का सामना कर सकती हैं। तो आपको तो पता ही कि इतनी समस्या होगी कि आपका जीवन ही तहस नहस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने पैरों का भी प्रयोग कीजिए, क्योंकि इससे जो रहेगा आपका आदर्श ही बनी रहेगी। इतना जो है संचार का साधन का और जो है परिवहन साधन का उपयोग अधिक से अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। कहते हैं कोई चीज़ का इस्तेमाल इतना ही करिए जो आपके लिए सुचारू रूप से फ़ायदेमंद रहे, लेकिन किसी चीज़ को इतना इस्तेमाल ना कीजिए कि उसकी आदि ही बन जाए आप। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है परिवहन एवं संचार की भूमिका। उत्पादन जैसे उपभोग के क्षेत्र वस्तु को ढुलाई कर व्यापार और वर्जनों में परिवहन मदद करता है। वस्तुओं का अतिरिक्त वाले क्षेत्रों को वस्तु के अभाव वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित भी किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में अगर किसी चीज़ की अभाव हो तो ये परिवहन द्वारा जो है बहुत आसानी से पहुँचा दी जाती है, और इसकी उपलब्धता जो है संचार के द्वारा हमें पता लग जाता है। लोग का भ्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिक्षा नौकरी की तलाश या आकस्मिक कार्यों के लिए परिवहन का ही माध्यम बनाया गया है। संचार हमें संसार की घटनाओं और प्रवृत्तियों के बारे में सूचित करती है, क्योंकि कहीं भी कोई घटना घटता है संचार के माध्यम से हमें चंद सेकंडों में हमें पता लग जाता है, जो कि अच्छी बात है। और ये लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, जिसके उनकी आर्थिक स्थिति को और भी दृढ़ मजबूत बनाई जाती है। तो परिवहन देखा जाए तो कई मानने में महत्वपूर्ण है, और संचार तो महत्वपूर्ण है ही है। कहते हैं ये सारी चीज़ें पहले बड़े बड़े जो ऋषि मुनि के पास हुआ करते थे, लेकिन आज हर एक मनुष्य के पास है। तो मनुष्य को इस बात की भली भांति समझ होनी चाहिए कि इसे हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया यातायात के साधन, देखिए यातायात के साधन जो है कई हैं, तो इसी के बारे में विस्तार पर आगे चर्चा हम करेंगे। तो कहते हैं लोगों के वृद्धि और विकास के लिए देश निम्नलिखित परिवहन के साधनों पर निर्भर आज हो गया है। परिवहन के साधन के रूप में तीन चीज़ों को मान्यता दी गई है, स्थल जल और वायु परिवहन। यानी स्थल जल वायु परिवहन तो तीन भागों में बांटा गया है, और सबके जो है दो दो पार्ट हैं। अगर हम स्थल की बात करें तो इसमें सड़क रेलवे आता है। आपको पता है सड़क और रेलवे तो हम आए दिन यूज़ करते ही रहते हैं, और जल के अंतर्गत समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय भी परिवहन किया जाता है। और वायु की बात करें तो वायु आज जो है बड़े लोगों तक पहुँच तक ही है, लेकिन आने वाले समय में ये आम व्यक्ति भी इसमें सफ़र बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है। और वायु जो है घरेलू भी उड़ान भरती है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरती है, जो काफ़ी कम समय में लोगों को जो है अपने स्थान पर पहुंचा देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए सबसे पहले हम स्थल की बात करें, और स्थल के अंतर्गत देखिए पहला टॉपिक क्या है। अब स्थल परिवहन के अंतर्गत सबसे पहले बात करें तो ये दो प्रकार की है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। सड़क मार्ग और रेल मार्ग है, जिसमें आज हम बात करेंगे सड़क मार्ग की। सड़क मार्ग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए इन चित्रों के आधार पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक समय तक हमारी परिवहन क्या बदलाव आया है। अगर आप पुराने समय के बारे में जानते होंगे तो आपको पता है उस समय परिवहन की कोई भी सुविधाएं उपलब्ध सुचारू रूप से थी नहीं। तो लोगों ने जो है पहियों की खोज करके अपनी सुविधाओं को थोड़ा आसान किया, लेकिन धीरे धीरे हमने जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके आज मोटर कार तक भी पहुंच चुके हैं, इवन जहाज तक पहुंच चुके हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। मान लो आपके अपने मित्र के घर जाना है जो आपके घर से केवल 50-500 मीटर की दूरी पर है,
या किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है जिसका घर आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है। एक ग्रामीण व्यक्ति को गाँव से जो है शहर आने के लिए बस पकड़नी पड़ती है, निश्चित रूप से सड़क का प्रयोग करेंगे। तो जर्नल सी बात है, इन चीज़ों के लिए जो है सड़क का उपयोग भलीभांति किया जा सकता है। अब चित्र में भी आप देख सकते हो कि ये चित्र भी आपको समझाने के लिए काफ़ी कुछ बता सकता है। अब सोचिए गा कि ये किस तरह के जो वाहन है, आज के समय में बेशकली ये मनोरंजन का साधन होता है और आप इस पर पैसे दे के बैठते हो। जैसे कि यहाँ पर आप ऊँट देख सकते हो, कैमल, जिसपे आप बच्चों को कभी कभी देखते हो कि यहाँ पर बच्चे को खुशी के लिए माता पिता बैठाते हैं। लेकिन ये कुछ समय पहले अगर चले जाइएगा तो ये बहुत ही अच्छा साधन हुआ करता था। इसलिए ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में जो है रेतों पर बहुत ही आसानी से दौड़ सकता है। इवन कि ये राजस्थान जैसे हर्ष इलाकों में भी कई कई दिनों तक जो है बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। तो ये उस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था वाहन के रूप में। अगर दूसरी तरफ आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो है घोड़ा गाड़ी है, और घोड़ा गाड़ी उस समय काफ़ी उपयोग की जा रही थी कोई भी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। आज के समय में कुछ ही क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में शायद ये ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। लेकिन इसकी वास्तविकता अभी भी नहीं मिटेगी, क्योंकि जिस प्रकार आपको पता है पेट्रोल डीजल ख़त्म होता जा रहा है, आने वाला समय में कहीं हम इसका ही सहारा ना लेना पड़ जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे पुराने समय में वाहन के रूप में। उसके पश्चात जैसे हम आगे बढ़ें, हम जो है साइकिलों का उपयोग करना सीखे, मोटर कार चलाना जाने और बहुत से संसाधनों का उपयोग करना सीखा। और आज तो आपको पता ही है कि मोटर कार गाड़ी ही सुबह से लेकर शाम तक जो है हमारे जीवन की जो है रूल बन गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी जो है पिक्चर देख के एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जैसे समय बीतता जा रहा है हम काफ़ी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, और जो है परिवहन के सुविधाओं में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। अब सभी समझ चुके हैं कि अधिकांश सड़कें सामान्य रूप से परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। सड़कें लोगों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास की निश्चित भी करते, जैसे नीचे दिया गया है। कहते हैं सड़क रिक्शा, कार, साइकिल, स्कूटर या ट्रक के माध्यम से घर जाने के लिए सेवा प्रदान हमें करता है। सड़क निर्माण, मरम्मत और रखरखाव की लागत परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में थोड़ा सा कम है। यह कुछ लोगों के लिए कम दूरी पर माल की ढलाई के लिए सबसे सस्ता और सुविधाजनक परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन सड़कों के माध्यम से हम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और समुद्री पथों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यही एक साधन है जो हमें जो है अपनी बड़े रेल लाइन तक या हवाई अड्डे या समुद्री पथ तक पहुंचाने में मददगार सिद्ध हो सकता है। दूध, फल और सब्जी जैसे ख़राब होने वाला माल जल्दी से शहर या महानगर तक सड़क मार्ग द्वारा ही पहुँचाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के जो है शहरी क्षेत्र से जोड़ता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जो है सड़कें आपस में जोड़ता है। साथ ही सभी प्रकार के धरातल पर इनका निर्माण किया जा सकता है, जैसे पहाड़ी, रेगिस्तान, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र। तो सड़कों का जो है कहीं भी निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। अब देखिए यहाँ पर सड़कों का वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सड़कों का वर्गीकरण, क्या आपको एक ही प्रकार की सड़क हर जगह मिलती है? कता ही नहीं, क्योंकि एक जैसा सड़क होता ही नहीं है। कुछ सड़कें कच्ची होती है, कुछ सड़कें पक्की होती है, कुछ सक्रिय और कुछ व्यापक हो सकती है। सड़कों का नियम आधार पर वर्णित किया जा सकता है, जिसमें निर्माण के लिए सामग्री प्रयोग के आधार पर, निर्माण कार्य और रखरखाव करने वाले प्राधिकरण के आधार पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण देखता है। अगर पहले की बात करें निर्माण के लिए प्रयोग सामग्री प्रयोग, या निर्माण के लिए प्रयोग सामग्री प्रयोग, तो कहते हैं कच्चे एवं पक्के सड़कों के निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री के आधार पर सड़कों को वर्गीकृत किया जा सकता है। और पक्की सड़कें आमतौर पर ईंट, कंक्रीट, सीमेंट और तार कोल के द्वारा बनाई जाती हैं, और अन्य पक्के सड़कें जैसे रेत, मिट्टी और जो है बलुआई से बनाई जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है निर्माण कार्य एवं रखरखाव करने वाले प्राधिकरण। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि इन सड़कों का निर्माण किसने किया और वो धन कहाँ से प्राप्त किए? जनता के द्वारा करों के रूप में किसने भुगतान किए गए पैसे से इसका निर्माण हुआ? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छे प्रबंधन और सड़क को संतुलित विकास के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, और ये सब आपके टैक्स के द्वारा ही सुचारू रूप से कार्यरत होते हैं। इसलिए कहते हैं कि समय रहते टैक्स भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सरकार उन्हीं टैक्सों से जो है आपके लिए सुविधाओं का निर्माण करते हैं।
कहते जो है ग्रामीण सड़कों का विकास केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, यानी ग्रामीण सड़कों का जो विकास है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया था, और इस प्रोग्राम को जो है नाम दिया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है सभी सड़कों का मरम्मत किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया, और कहते ये गाँव से गाँव और गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मुख्य सड़कों से जुड़े भी गए। भारत में कुल सड़कों की लंबाई में लगभग 80% ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिला परिषद सड़कों को जिले के अन्य शहरों और कस्बों के साथ जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए उत्तरदायी है, और यह जिला सड़कें भारत में कुल लंबाई का 14% भाग है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर राज्य लोक निर्माण विभाग यानी SPWD की बात करें तो सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है, और यह राज्य जो है राजमार्ग जिला मुख्यालय के साथ राज्यों की राजधानी को भी बेखूबी जोड़ता है, और यह देश के कुल सड़कों की लंबाई का सिर्फ 1% ही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH का निर्माण और रखरखाव करता है, और ये महत्वपूर्ण सड़क भारत के विभिन्न भागों के मुख्य शहरों के राज्य राजधानियां से जोड़ता है। ये कुल सड़कों की लंबाई का केवल 2% ही है, लेकिन सड़क यातायात का जो है 40% आवागमन इनमें से ही होता है। सरकार ने एक प्रमुख सड़क विकास परियोजना शुरू की है जो उत्तर पर जो है दक्षिण पूर्वी और पश्चिम भारत को जोड़ता है। इसे समय और ईंधन की बचत भी होगी। इसे जो है भारत के बहुत बड़े शहरों के बीच यातायात के तेज प्रभाव को बनाए रखने में काफ़ी मददगार सिद्ध भी होता है। यह भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कनेक्ट किया जाता है, और यह प्रमुख वित्त का राजमार्ग कुछ इस प्रकार है। पहला राजमार्ग की अगर बात करें तो हम इसको स्वर्ण चतुर्भुज दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता का जोड़ता है, जो ज्योतिमीय आकार में जो है चतुर्भुज की तरह होती है। इसको हम मैप में भी देखेंगे जिससे आपको जो है क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद उत्तर जो है दक्षिण गलियार जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो है जोड़ता है, यानी कॉरिडोर जो है कन्याकुमारी से जोड़ता है श्रीनगर को। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जो है पश्चिम में प्रबंधन से पूर्व में जलेश्वर से जुड़ता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश समान देशों में जो है सीमा का सड़क का निर्माण और आपातकाल के समय रक्षाकर्मियों की जरूरतों और अन्य सामान का परिवहन बहुत ही आसानी से होता है, और इसके साथ ही वहाँ रहने वाले लोगों को भी लाभ पहुँचता है। इसका निर्माण और रखरखाव सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो आपके समक्ष मैप आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के स्वर्ण चतुर्भुज, जैसे कि आप देख सकते हो मैप में भी कि ये चतुर्भुज आकार जो है लिया हुआ है, ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है, और चेन्नई को मुंबई से जोड़ता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चतुर्भुज आकार का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भारत के हर एक कोने को बहुत ही आसानी से जोड़ता है, और ये जिस जिस शहर से गुजरता है उस शहरों को भी आपस में जोड़ता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है मार्ग है भारत के लिए। दूसरा मैप जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम जो है कॉरिडोर है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो श्रीनगर से कन्याकुमारी के जोड़ रहा है और पोरबंदर से लेके जो सिलचर तक जोड़ रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए चतुर्भुज जो था चार भागों को जोड़ रहा था, लेकिन ये सेंटर को जोड़ रहा है। कहते ये जो रेल मार्ग है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसका महत्वता को जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं हम रेलवे के विषय में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे समक्ष है। रेल, देखिए रेल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और रेल में जो है बेखूबी बहुत से चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सुचारू रूप से आसान होता है, लेकिन रेलवे के रखरखाव के लिए बहुत ही कर्मचारियों की आवश्यकता होता है, और ये काफ़ी महंगी भी साबित होता है, लेकिन सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाना बहुत काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो रेलवे की अगर बात करें हम, यह अपनी मांगों पूरा करने के लिए जो है सरल तरीका बन गया है, और यहाँ कोई सख्त सजा भी नहीं होती है, यानी यहाँ कोई सख्त सजा भी नहीं होती है, यानी काफ़ी इसको सजाने की आवश्यकता नहीं होती है। अखबार पढ़ते हुए मनु के पिताजी ने कहा, अनु ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, यानी पिताजी क्या हुआ ये पूछा गया। पिताजी ने कहा, कोई नहीं बात नहीं है, प्रदर्शनकारी के एक समूह ने रेलवे पटरी को अवरुद्ध कर दिया है, और उन लोगों ने गाड़ियों को बंद कर दिया है, आगरा दिल्ली मार्ग पर 2 बोगियाँ जला दी है। अनु ने पिताजी से पूछा, आप इतना परेशान क्यों हैं। पिताजी ने कहा कि आप नहीं जानते हैं कि हजारों लोगों ने कई वर्षों के प्रयास से लाखों रुपया खर्च करके रेल की पटरी एवं रेलवे के डिब्बों का निर्माण किया है,
और यह हमारी सुविधा यात्रियों और साधन के तीव्र परिवहन के लिए है। केवल यह नहीं, यात्रियों के लाखों रुपये की हानि के भी कारण है और व्यापार को भी काफ़ी प्रभावित करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई कि रेलवे जो है किसी सरकार की नहीं है, रेलवे जो है किसी अधिकारी का नहीं है, रेलवे आम लोगों का है, क्योंकि लोगों के जो है टैक्सों से ही रेलवे का निर्माण होता है। लेकिन लोग जब प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तब जाके अपना गुस्सा जो है रेलवे और पटरियों पर ही उतारते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के नौजवान इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं कि रेलवे को जो है नुकसान पहुँचाना, अपनी अर्थव्यवस्था को जो है तहस नहस करना है। और देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तो प्रदर्शनकारियों से ही पहुंचता है। इवन कि वो रेलवे को फूंक देते हैं, कई जगहों पर रोडों को जाम कर देते हैं, बहुत तरह के प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं बात आपस में करके भी कोई चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, आपस में बात करना भी सरकार का प्रावधान होना चाहिए। कहते हैं हर बात प्रदर्शन से ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रदर्शन से ऐसे बहुत से व्यक्ति सामने आ जाएंगे जो देश की कल्याण कभी नहीं सोचते होंगे, सिर्फ वो अपनी जो है सिक्का जमाने की कोशिश करेंगे। तो सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी रूल रेगुलेशन होता है जनता के समक्ष रखिए, उसके बाद पास कीजिए, क्योंकि आप जनता के लिए ही रूल रेगुलेशन बना रहे हो ना, अपने लिए तो नहीं बना रहे हो। तो सबसे अच्छा है कि जनता के प्रतिनिधि जितने भी हैं उनके समक्ष रखिए, जनता से एक दो बार राय विचार लीजिए और फिर लागू कीजिए। देखिए कोई जनता जो है इसका विरोध नहीं करेगा और न ही इतनी बड़ी जो है संपदा का जो है विनाश होगा, क्योंकि रेलवे और बहुत तरह के विनाश, सांप्रदायिक दंगे फसाद, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और उन नौजवानों को भी सोचना चाहिए कि जो वो प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन करने वाले ये लोग नहीं होते हैं, आम जनता नहीं होती है, ये तो बड़े बड़े लोग ये ऐसे प्रदर्शन करवाते हैं। कहते हैं ना, दूसरे के जो है सीने पे गोली रख के, कंधे पर गोली रख के चलाते हैं, तो ऐसा सिस्टम इन्होंने बना लिया है। और नौजवान जो है इनके बातों पर बहुत ही आसानी से भड़क जाते हैं, बहुत ही आसानी से जो है देश को नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि इनके ही पैसा जो है बर्बाद हो रहा है और सरकार बाद में इनसे ही पैसा उसूलेगी। तभी तो देखते हो कि आए दिन जो है सामानों की कीमत में इतनी वृद्धि हो गई है कि लोगों के पहुँच से दूर भागती जा रही है। तो समझदारी वाली बात यहाँ पर जब हो सकती है तो आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती है। अब देखिए, अनु को रेलवे के महत्व का एहसास हो गया, जैसे कि नीचे वर्णित है। अनु ने इस बात को एनालाइज किया कि रेलवे जो है प्रदर्शनकारियों के कारण और लोगों के जो है अनपढ़ता के कारण बहुत ही विनाश का सामना करना पड़ता है, इवन कि जान माल की हानि भी होती है जो सही नहीं है। यह सब सस्ता परिवहन का साधन है जिसके द्वारा हजारों लोगों के साथ शिक्षा, व्यापार, तीर्थ स्थल देखने, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के उद्देश्य से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों यात्री एक साथ यात्रा करते हैं। सभी आय वर्ग के लोग जो है रेलवे के यात्रा कर सकते हैं। इनमें जो है साधारण सियान और एसी जो है कसियार, कुर्सियान, कार की तरह विभिन्न प्रकार के डिब्बे होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, साधारण सियान, स्लीपर, एसी, कुर्सियान, कार, तो ये सारे जो होते हैं रेलवे में बेखूबी होते हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए होते हैं। कोई भी सियान डिब्बे, बर्थ और शौचालय की सुविधा के साथ एक आरामदायक रात की यात्रा भी करा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए होता है, सरकार इसका कोई जो है उपयोग नहीं करती है। यह रेल के जो है कोयला, जो है सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल के उद्योग तक और उद्योगों से खपत के क्षेत्रों तक जैसे भारी वस्तुओं का सबसे बड़ी मात्रा में परिवहन करता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण कि देश में इस महत्वपूर्ण साधन को बनाए रखने में हम सभी की को सहायता करनी चाहिए। और रेलवे माल ढुलाई और यात्रियों के आगमन की सुविधाएं दोनों ही प्रदान करता है और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान भी देता है। इसलिए कहते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगा जब यहाँ के नौजवान समझेंगे और बहुत बड़े बड़े दंगे फसाद जो भारत में होना चाहिए उसको रोका जाए। जब अनु और उसके पिता रेलवे की महत्व के बारे में बातचीत कर रहे थे तो उनकी एक सहेली जिया उसके घर आई। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी जबकि उसकी मातृभूमि सिक्किम थी। जिया ने तड़के रूप से समझा और उसके मन के प्रश्न था कि सिक्किम देश के दूसरे भागों के साथ कभी नहीं क्यों जुड़ा। अंकल, मेरे राज्य में रेलवे लाइन कम क्यों है जबकि अन्य राज्यों में रेलवे का अच्छा नेटवर्क है। उन्होंने बताया कि रेलवे के विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं,
तो सबसे पहले तो यही आता है, रेलवे का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल और महंगा है, जबकि समतल भूमि के क्षेत्रों में इसे आसानी से किया जा सकता है। इसलिए भारत में गंगा के मैदान में घने रेलवे नेटवर्क है, जबकि कहते रेगिस्तान, पहाड़ी, दलदली क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, घने जंगल, रैपिड्स और नदियों के क्षेत्रों में ज़्यादा विकास नहीं किया जा सका, क्योंकि रेलवे के बनाने में बहुत ही धन का खर्च होता है, बहुत काफ़ी महंगा भी पड़ता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य रेलवे से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन राज्यों की स्थिति जो है मैदानी इलाकों में है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत को के इन क्षेत्रों में अनाज का भंडार, यहाँ अधिक उगाई जाने वाली फसलों के रेलवे के माध्यम से देश के अन्य भागों में लाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा को जो है खाद्य अनाज का भंडार कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेशक पाकिस्तान को उन क्षेत्रों को कहा जाता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा इससे अछूता नहीं है। जहाँ खनन और उद्योग का विकास अधिक हुआ है, वहाँ वस्तुओं का आसानी से परिवहन के लिए रेलवे की अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कम हुआ है, रेलवे का निर्माण की लागत की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पर कम रेलवे नेटवर्क है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रेलवे का जो है विकास काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और इससे बहुत सारे धन का भी खर्च होता है। जो है धनी आबादी वाले वहाँ अधिक जाना आना जाना होगा और निश्चित रूप से रेलवे से जुड़ा हुआ है। कहते हैं इतने बड़ी आबादी को जो है पहुँचाना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। शहर क्षेत्र या बड़े शहरों में रोजगार, व्यापार, शिक्षा, व्यापार और देखिए बैंकिंग आदि के अधिक आकर्षित किया गया है, और वहाँ पर लोग आने जाने के लिए रेलवे नेटवर्क का घनत्व अधिक है। तो आपको पता है कि हम शहरों की तरफ इसलिए अधिक आकर्षित हुए हैं क्योंकि यहाँ रोजगार, व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग आदि बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए लोग जो है शहरों से काफ़ी आकर्षित होती है और रेलवे नेटवर्क का जो है बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। अनुज के पिता ने हंसते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, देश के इन भागों में विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के महत्व के प्रति सरकार जागरूक है, यह प्राथमिक से किया जा रहा है। जिया को समझ आया कि कोई भी संसार किसी भी क्षेत्र को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बात किया गया। उसके पश्चात आता है जो है भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई तकनीकी उन्नति। कहते देश के उत्तर से दक्षिण के सीधे रेल सेवाएं उपलब्ध है, अर्थात जम्मू से कन्याकुमारी तक। कहते जम्मू से कन्याकुमारी तक जो है 71 घंटे में 3751 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। सुविधा प्रथम जो है वर्धनकुलत, द्वितीय वर्धनकुलत और तृतीय जो है वर्धनकुलीन और तृतीय और चौथी यानी कुर्सी यान स्लीपर, सारे के सारे सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। सामान्य वर्ग में यात्रा करने के लिए विभिन्न आर्थिक तबके के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। डीजल और विद्युत जो है लोकोमोटिव्स बड़ी लाइन पर जो उपयोग करके प्रदूषण मुक्त यात्रा प्रदान की गई, यानी रेलवे जो है डीजल का विद्युत का उपयोग करके आज जो है देखा जाए तो प्रदूषण युक्त यात्रा होता है। यात्रियों घर से आसानी से जो है इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुकिंग की सुविधाएं भी अब प्रदान किया गया है, और माल से लदे ट्रकों के सीधे उपभोक्ताओं को या कारखानों सीधे रेल डिब्बों के ले दिया जाता है। तो रेल की देखा जाए टेक्नोलॉजी और उन्नति काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। यहाँ पर जो आपके समक्ष प्रस्तुत है एक जो है फॉर्म है आरक्षण या रद्द करने की जो है मांग पत्र है, तो ये रेलवे का टिकट बुकाने जो है बुक करने का सबसे जो है सरल साधन है, जिसको आप जो है कहीं भी कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे जाके। तो आपको इसी प्रकार के पर्चा को भरना पड़ेगा। अगर इंटरनेट से करते हो तो इंटरनेट से बहुत आसानी सुविधा है, लेकिन देखा जाए तो इस सुविधाओं का भी बहुत उपयोग किया जाता है। तो अगर आप रेलवे के टिकट घर के पास जाते हो तो रेलवे के अगर टिकट बुक कराते हो तो इसी प्रकार के फॉर्म को जो है भरना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के समय में फ़ोन नंबर के साथ साथ जो है आपका बहुत कुछ जो इसमें डिटेल भरना पड़ता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी सुविधाओं के लिए ये बनाई गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे समक्ष जो आया है जल परिवहन। कहते हैं जल परिवहन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुविधाजनक है। पुराने समय में जल परिवहन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो जल परिवहन के लिए हमें जो है रोडों का कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और नेचुरल रूप से जो है ये प्रदूषण भी करने का कोई भी सबब नहीं बनता है। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो ये कई क्षेत्रों को तहस नहस कर देता है, लेकिन जल मार्ग जो होता है स्वयं ही बना हुआ होता है, आपको सिर्फ उसमें जो है अपने जो है बड़े बड़े सीपों को उतारना होता है, और ये बहुत ही आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है, और ये प्राकृतिक भी है। कहते हैं बेशक लिए आज के समय में देखा जाए तो वाटरवे का जो है
जल परिवहन का जो है रास्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी आज के समय में इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसका उपयोग यातायात के लिए कम किया जाता है, ये जनरली सी बात देखने को मिला है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या लोग प्राचीन काल में नदियों के निकट निचले भाग में बसे, क्यों आखिर बसे होंगे? आपको पता है सबसे बड़ा प्रश्न है कि लोग कोई भी देख लीजिए शहर कोई भी न कोई नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही है कि नदियाँ से हमें बहुत कुछ मिल जाती है, ठीक है। कहते खाने पीने के साथ पीने की भी वस्तु मिलती है, तो प्लस यातायात का साधन भी मिलती है। भारत की अगर खोज हुई, भारत के बारे में वास्को डी गामा जाना, तो वो भी जो है जल मार्ग का ही उपयोग किया, क्योंकि जल मार्ग बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए माध्यम था। कहते ये कैसे दूर भूमि से कारोबारी संभव हुआ, कहाँ नदी और समुद्र के माध्यम से किया गया, पुराने दिनों में अब तक ये जल परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। और आप देख सकते हो, आपको चित्र में भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये परिवहन का सबसे अच्छा साधन है। और देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी आसान भी है और सही भी है, और इसमें अधिक मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में यह बहुत ही सस्ता साधन है, क्योंकि इनमें कोई भी निर्माण या रखरखाव पर अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं है। इसलिए परिवहन के सभी साधनों की तुलना में जो है ये जल मार्ग बहुत ही सस्ता साधन बनता है। यह मध्यम बड़ी और भारी माल परिवहन के लिए बहुत ही उपयोगी है, और एक जहाज पर एक समय में लाखों टन माल को ले जाया जा सकता है। यह पेट्रोलियम के लिए अच्छा परिवहन है, और अपने उत्पादों के जो है रूप में महाद्वीपों के पार स्थानांतरित शामिल भी करता है। भारत में पेट्रोलियम जमा भी की कमी है, और यह सबसे अधिक मध्यम पूर्व देशों को यातायात भी किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिवहन के साधनों में ईंधन की बचत और पर्यावरण मित्र के रूप में भी है, यानी देखा जाए तो इको फ्रेंडली है और यह पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाता है। जल मार्ग को दो प्रकार में यहाँ पर वर्गीकृत करने का प्रावधान है, क्या आप जानते हैं? पता लगाइए कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मार्ग और जो है महामार्ग कहा जाता है। आखिर क्यों इनको अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और महामार्ग कहा जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, देखिए भारत अंतर्देशीय सैन्य जलमार्ग की लंबाई जो है 14,500 किलोमीटर है, जिसमें नहरें, नदियाँ, बैंक वाट्स एंड संकरीय खाड़ियाँ आदि शामिल हैं। लेकिन नदी नगल मार्ग की कुल लंबाई केवल 3,700 किलोमीटर उत्तर में गंगा और ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में मशीनरी नौकाओं के लिए काफ़ी उपयुक्त है। राज्य मार्गों पर यातायात का जो भार कम करने में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का अच्छा नेटवर्क अहम भूमिका निभा सकता है, और यह भी वस्तुओं के परिवहन में सहयोग भी करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें हम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन का, तो कहते हैं ये 1984 में किया गया था, और देश में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन करता है। कहते निम्नलिखित तीन जलमार्ग को ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। एक तो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो कि 1,620 किलोमीटर तय करती है इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक, यानी काफ़ी लंबी इसकी यात्रा होती है। वहीं हम राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें 2 को, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम से सदियों से जो है धुबरी तक जो है 891 किलोमीटर तय करता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो कहते हैं 3 की जो केरल में कोल्लम से लेके कोटलीपुरम तक जो है 205 किलोमीटर तय करता है। तो देखा जाए भारत में तीन ही मार्ग को जो है राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है समुद्री जलमार्ग। देखिए यदि आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत तीनों ओर से जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से सीधे घिरा हुआ है, और इनकी देखा जाए तो लंबी तटरेखा जो है 7,516 किलोमीटर तटरेखा है। और कहते 1946 में भारत में देखा जाए तो 1,27,083 टन क्षमता के केवल जो है सिर्फ 49 जहाज थे, लेकिन आज़ादी के बाद देखिए सरकार ने 2004 में विभिन्न आकार वाले 616 जहाज़ों खरीदे से जो है 70,00,000 टन क्षमता जहाज खरीदा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते हैं समय के साथ बहुत ही बदलाव देखने को मिला। अब इस मानचित्र में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भारत पर मुख्य बंदरगाह यहाँ दर्शाया गया है, इसमें विशाखापट्टनम, चेन्नई, प्रदीप्स,
कोलकाता, हल्दिया, ये सारे के सारे समुद्रों किनारों ही बसे हुए हैं। चाहे हम कोची की बात करें, मंगोर की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, तो कनाडाला की बात करें, तो काफ़ी क्षेत्र जो है जलमार्गों से जुड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हो सकता है आने वाला समय में बहुत ही सुविधाजनक बन जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय समुद्र जलमार्ग की दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो तटीय नौवहन है, यानी तटीय नौवहन देश के तट पर स्थित बंदरगाहों के बीच यात्रियों और माल परिवहन तटीय जलमार्ग के द्वारा किया जाता है। और कहते हैं नेविगेशन कंपनियां, जो कि 100 जहाज़ों से 12 प्रमुख बंदरगाह और 189 छोटे मध्य वर्ग के बंदरगाहों के माध्यम से तटीय जलमार्ग द्वारा माल के लगभग 7,00,000 टन मालों को ढोने में व्यस्त है। तो आप समझ सकते हो कि 100 जहाज़ों से 12 प्रमुख बंदरगाहों के अंतर्गत, यानी सिर्फ 196 छोटे मध्य वर्ग के बंदरगाहों के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में 7,00,000 टन मालों को ढोने में व्यस्त है। यानी 7,00,000 टन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की, तो कहते हैं भारत के नौवहन की का क्षमता अधिकांश भाग अंतर्राष्ट्रीय नौवहन में है और म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान से पूर्वी तट के बंदरगाहों के माध्यम से और पश्चिमी तट के बंदरगाहों से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया के लिए निर्यात और आयात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के अंतर्गत म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, पूर्वी तट के बंदरगाह शामिल है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो बहुत काफ़ी महत्व भी रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वायु मार्ग। वायु मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पहले के समय में जब पुष्पन विमान थी, तो लोग सोचते थे कि ये पुष्पन विमान कैसे उड़ा होगा। रामायण के पात्रों में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो रावण के पास जो था एक पुष्पन विमान थी, तो बहुत ही सोचा जाता था कि आखिर ये पुष्पन विमान कैसे चलती थी। लेकिन जब कहते 1911 में भारत में ऐसे ही पुष्पन विमान आया, तो लोग देख के हैरान हो गए। और इसका इन्वेंशन जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो 1903 में किया गया। कहते हैं वायु मार्ग की अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। बहुत सुचारू रूप से जो लोग हैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर यही विडम्बना होती है कि काफ़ी ये महंगी पड़ती है। क्या आप पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हो? हर लोग जो है पक्षियों की तरह उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संभव है? लेकिन कहते हैं अगर हम उड़ नहीं सकते, लेकिन किसी चीज़ पर बैठ के उड़ तो सकते हैं ना। वायु मार्ग द्वारा बिना किसी रुकावट के आप शीघ्र अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। हमारे आधुनिक हवाई जहाज को जो 1903 में राइट ब्रदर्स ने डिजाइन किया था, यानी राइट ब्रदर ने जो है हवाई जहाज़ का डिजाइन किया था, और भारत में हवाई जहाज परिवहन 1911 में शुरू किया गया। आज यह सड़क और रेलवे परिवहन की तरह महत्वपूर्ण यातायात का साधन बन चुका है और भारत में दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। दोनों सुविधाओं के रूप में अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू वायु मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आधुनिक युग में इनके महत्व पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, तो बने रहे आप त्रिपाण सेंटर के साथ। हवाई जहाज से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। आप देख सकते हो कि इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही पक्षियों की तरह की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये उड़ान बेशकली महंगी पड़ती है, लेकिन बहुत ही कम समय पे आपको जो है अपने स्थान पे पहुंचा देता है। आज के समय में देखा जाए तो कहते हैं समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, और समय को जो बचा ले, समझिए वो आगे बहुत ही महानता की सीढ़ी चढ़ सकता है। तो जहाज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण परिवहन है, जो समय की बहुत ही बचत करती है। बेसिकली इसमें पैसे अधिक खर्च होते हैं, लेकिन समय का बचत इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। हवाई परिवहन के द्वारा संसार या वैश्विक गांव बनता जा रहा है और यह परिवहन का सबसे तेज साधन है, और कुछ घंटों में गलत स्थान के सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय किया जा सकता है। यह दुर्गम पहाड़, घने जंगलों, दलदली भूमि या बाढ़ क्षेत्रों के रूप में किसी भी अवरोध से मुक्त है, और यह राष्ट्रीय रक्षा में अपनी उपयोगिता के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। इवन कि यह युद्धों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। पृथ्वी को एक वैश्विक गांव बनने में विभिन्न महाद्वीपों जो है देशों को एक जोड़ता है, यानी ये कि ऐसा ही परिवहन है जो पूरे विश्व को जो जोड़ने का काम किया है। और यह समय सीमा में महंगी दवाइयाँ,
आधुनिक मशीन, फल, सब्जियां एवं उच्च मूल्य के सामान को यह परिवहन बहुत ही आसानी तरीके से कर देता है। यह प्राकृतिक या किसी अन्य आपदा में लोगों को बचाने और उनकी जरूरतों को सामान तुरंत आपूर्ति के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके जो है मार्ग में कोई पहाड़ रुकावट नहीं बन सकती है, कोई जंगल रुकावट नहीं बन सकती है, कोई बाढ़ इसका जो है रुकावट में बाध्य नहीं बन सकती है। यात्रा उच्च लागत की एकमात्र कमी है कि उच्च लागत होती है, इसी वजह से इसका जो है लोग अभी अधिक मात्रा में जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि यह अभी भी साधारण व्यक्तियों के पहुंच से काफ़ी बाहर है। साधारण व्यक्ति इनका उपयोग आज के समय में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। पिछले कुछ वर्षों में हवाई परिवहन के प्रयोग में तीव्र वृद्धि की दर्ज की गई है और बेखूबी आने वाला समय में जो है आम व्यक्तियों की पहुँच तक भी बहुत ही आसानी से पहुँच जाएगा। भारत में हवाई परिवहन सेवाओं के निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गित किया गया है, तो इसमें है घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सेवा। कहते हैं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवा सरकार की प्राइवेट द्वारा प्रदान किया जाता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो लिमिटेड सरकारी उपक्रम एवं कंपनियां और तेल प्राकृतिक गैस निर्माण इंडिया ऑयल और देश के आपूर्ति भाग में हवाई परिवहन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक संचार और इसके महत्व। देखिए संचार और इसके महत्व को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ पर आज जो है हम चंद सेकेंडों में आप लोगों से बात कर लेते हैं, आप जब मर्जी चाहो मेरी आवाज़ सुन लेते हो, तो ये सब कई हद तक जो है संचार माध्यम का ही प्रतिफल है। लेकिन कहते हैं कोई चीज़ को अगर सुचारू रूप से इस्तेमाल किया जाए तो वह वरदान होता है, लेकिन अगर इसको दुरुपयोग किया जाए तो वह अभिशाप में कन्वर्ट हो जाता है। और कहते हैं कोई चीज़ के जहाँ गुण होता है वहाँ अवगुण भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम संचार और उसके महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। कहते हैं अगर आपकी बहन की शादी तय हो गई हो और आप अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों को शादी की उपस्थिति देखना चाहते हो, तो आप उनके कैसे सूचना पहुँचाओगे? और आपको तो पता है आज कहीं भी दूर दराज में रहो, फटाक से आप मोबाइल निकालते हो, फटाक से कॉल कर देती हो। अचानक आपके दादा का दिल का दौरा पड़ता है और आपके पिता श्री अपने कार्यालय में नहीं है, आप उन्हें कैसे तुरंत सूचित करोगे? आपको जापान में सुनामी के बारे में कैसे पता चला या मिस घटना के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पर लाखों लोगों ने अपने राष्ट्रपति का जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहते हैं उपयोग परिस्थिति में आप कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करोगे? तो आज देखा जाए संचार एक ऐसा माध्यम है जो चंद सेकेंडों में कोई भी इन्फॉर्मेशन दूसरे स्थानों पर लाखों किलोमीटर दूर भी चंद सेकेंडों में पहुंचा देता है। और आपका जो मेरे साथ मुलाकात होती है तो यही कॉमन जो है संचार माध्यम के अंतर्गत ही होती है। तो संचार माध्यम अगर आप अच्छे से उपयोग करोगे तो ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा, लेकिन अगर आप इसको गलत उपयोगों के लिए करोगे, गलत कामों के लिए करोगे, तो यही आपके लिए अभिशाप साबित होगा। देखा ये संचार माध्यम के बहुत विभिन्न साधन हैं और इस प्रकार संचार विचार सूचनाओं और संदेशों को ले जाने और अपने परिवार सदस्यों मित्रों के साथ अपने दुख सुख को बांटने का एक साधन बन गया है। कोई भी घटना घटता है आप चंद मिनटों में कॉल लगाते हो और अपने सारे दुख जो है अपने दोस्त, अपने बहन, अपने मित्र, सहेली सबसे बात कर लेती हो। अब आप समझ गए होंगे कि संचार में परिवर्तन का अर्थ जो है संचार के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। संचार के विभिन्न साधन हैं और लोगों को पत्र लिख कर, टेलीग्राम भेज कर, रेडियो, टेलीविज्ञान, कंप्यूटर, तकनीक संचार, समाचार पत्र, मैगजीन और पंपलेट और फैक्स, ईमेल, व्यवसाय व्यापार और अन्य सेवाओं के लिए करते हैं। कहते हैं ईमेल संचार के सबसे तेज साधन के रूप में उभरा है और लगभग निःशुल्क भी है। यह भी जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि विशेष संचार के साधन का चुनाव हमारे उद्देश्य पर निर्भर भी करता है। अब हमें दो समूहों में संचार के विभिन्न साधनों को वर्गीकृत करेंगे, चलिए देखते हैं इसको कौन दो से भागों में इसको बांटा गया है। एक होगा आपका संचार के निजी साधन, दूसरा होगा संचार के साधन। तो ये दो जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, संचार के निजी साधन और जन संचार के साधन। अगर हम पहले की बात करें संचार के निजी साधन, तो हम संचार के निजी साधनों के दो भागों में और भी डालेंगे। एक तो रहेगा डाक सेवा, दूसरा रहेगा टेलीफोन सेवा। अब डाक सेवाएँ क्या थी चलिए देखते हैं। यदि हम डाक सेवा की बात करें तो डाक सेवा जो है संचार का एक बहुत पुराना साधन है। हालांकि पत्र लेखन अब लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण है। भारतीय डाक सेवा दुनिया में सबसे बड़ा है और 2001 में भारत को कहते हैं 155,000 डाकघरों से विभिन्न सेवाएं प्रदान की गई, जैसे
पत्र, मनी ऑर्डर, पार्सल, डाक बचत योजना आदि। तो कहते हैं डाक सेवा के बेशकली आज पत्रों का आदान प्रदान बहुत कम हो गया है, लेकिन डाक सेवा का जो है अभी भी उपयोग बरकरार है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। उसके पश्चात आता है टेलीफोन यानी दूरभाष सेवाएं। कहते हैं यह आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले संचार के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और यह शीघ्र, सस्ती और हमारी आवश्यक मूल सेवाएं हैं। तो टेलीफोन दूरभाष सेवा जो है आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके पश्चात आता है जन संचार के साधन। देखिए इस साधन के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी दी जा सकती है और इस मीडिया को जन संचार कहते हैं। जन संचार जैसे मान लीजिए ये वीडियो है, ये वीडियो आप अगर शेयर करते हो तो दूसरे तक भी पहुँचता है, तो ये जन संचार के माध्यम बनता है। जैसे आप रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, सिनेमा, किताब, पत्रिका, पारंपरिक लोक नीतियाँ और संचार उपग्रह आदि सभी के सब जन संचार के साधन हैं और जो बहुत से लोग कर सकते हैं। अब यही वीडियो देखिए कई जगहों पर कई बच्चे कई रूप में देख सकते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जन संचार के साधन। यदि बात करें हम पहले पॉइंट के अंतर्गत जन संचार के साधन में, तो सबसे पहले जो पुराना साधन था वो था आकाशवाणी। आकाशवाणी रेडियो था जो कि संचार का बहुत महत्वपूर्ण जन संचार का साधन था और ये भारत में रेडियो प्रसारण जो है 1927 में मुंबई और कलकत्ता में से जो है मनोरंजन करने और शिष्ट बनाने और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुरू किया गया था। और कहते हैं आज ऑल इंडिया रेडियो यानी एयर्स के कार्यक्रम देश के 90% क्षेत्रों में जो है 98.8% लोगों के लिए उपलब्ध है। तो आज देखा जाए आकाशवाणी ने अपना पूरा दबदबा जो है पूरे भारत पे बना लिया है और हर जगह जो है आकाशवाणी की आज पहुँच है। उसके पश्चात आता है दूरदर्शन टेलीविज़न। देखिए भारत की राष्ट्रीय टेलीविज़न प्रसारण सेवा जो है 1959 में शुरू किया गया था, यानी 1959 में जो है भारत में दूरदर्शन टेलीविज़न सेवा शुरू की गई थी जो संसार का सबसे बड़ा स्थल प्रसारण संगठनों में से एक था और आज देखा जाए 97% जनसंख्या इसे देख सकती है। टेलीविज़न राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारण, राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय दूरदर्शन और बड़ी संख्या में निजी चैनल द्वारा जो है शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के लिए उपलब्ध है। तो देखा जाए तो दूरदर्शन का अपना काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है आज के समय में। वही अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज कंप्यूटर संचार और आर्थिक विकास का आधार बन गया है क्योंकि यह प्रत्येक जगह, घरों और कार्यालयों में, दुकानों, अस्पतालों, रेलवे, हवाई अड्डे, बैंक और शैक्षिक संस्थान आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही है कोई भी क्षेत्र में कहीं भी काम करने चले जाओ कंप्यूटर के बिना वहाँ पर आपको काम नहीं मिल सकता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कंप्यूटर का आज के समय में यूजेस। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नवीन संचार तकनीक। देखिए हाल के वर्षों में नई तकनीक के विकास से लोगों को बहुत अच्छे तरीकों की सहायता मिली है। अगर हम बात करें नवीन संचार तकनीक की तो सबसे पहले तो इंटरनेट ही आता है। यह सभी प्रकार सूचनाओं को प्रदान करता है और दुनिया भर में सभी प्रकार की जानकारी को कंप्यूटर में एक बटन दबाने प्राप्त होता है। कहते हैं आज इंटरनेट जो ऐसी सुविधा बन गई है जो आम गरीब से लेकर जो बड़े लोगों तक इसकी पहुंच है और चंद सेकंडों में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो बड़े लोगों को मिल रही थी और इस जो इंटरनेट के कारण आज हर एक व्यक्ति जो इसका बेखूबी उपयोग कर सकता है। और बात करें वीडियो दूरसंचार की यानी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की, तो कहते हैं दूर स्थानों में बैठे लोग बात कर सकते हैं और दूर संचार कंप्यूटर की सहायता के साथ अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। कहते हैं अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आपको पता है कोरोना वायरस के समय में जो है स्कूलों को इसी से जोड़ दिया गया था, सारे बच्चे जो थे कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत ही अपना पढ़ाई कर रहे थे। कहते हैं 2 साल तक इसी तरह के प्रोग्राम चलता रहा और न जाने कहीं आने वाला फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो दूर संचार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एक क्षेत्र में। उसके पश्चात आता है ई कॉमर्स। देखिए इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से अच्छी खरीद और बिक्री के लिए भी सुविधाएं। आज के समय में सोचिएगा कि आज मैं खरीदने के लिए बाजार में जाऊंगा, लेकिन इतना तकलीफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। नेट पे आप कोई भी खोलिए साइट, वहाँ पर आपको कपड़ों की सेल आपको नज़र आ जाएगा और कोई भी कपड़े को सेल करने खरीदना है 2 मिनट में बटन दबाइए और घर तक जो है वो कपड़े आपको पहुंच जाएंगे। तो सोचिए आज लोगों को कितना जो है आलस्य का जो है जीवन देखने को मिल रहा है। आजकल सभी जो है आपके हाथों में चंद उंगलियों के जो है इशारों पर ही निर्भर है। अगर इंटरनेट दूरभाष की बात करें यानी टेलीफोन की बात करें तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर एक टेलीफोन की तरह काम करने के लिए बनता है और इस सुविधा कॉल दरों में काफ़ी कमी आई है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुविधा कॉल दरों में काफ़ी कमी आई है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बात महत्वपूर्ण है यहाँ पर, लेकिन एक बात यहाँ पर गलत भी है। कहते हैं आज तो बेशकली कॉलों में जो है कटौती की गई है, बहुत सस्ती की गई है, लेकिन लोग जो है 24 घंटा फ़ोन पे कॉल पे लगे रहते हैं, तो ये आने वाला समय में बहुत ही उनके लिए दुखदायक परिस्थिति पैदा कर सकता है और इसका मानसिकता पर बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कहते हैं 5G लॉन्च हो जाने के कारण जो है बहुत से पशु पक्षी जो है अब मरने लग गए हैं और इसका प्रभाव इंसानों पर भी बहुत देखने को मिलेगा। तो शायद ये हमारे लिए संकेत है, अगर हम नहीं समझते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी जो है दुखदायक परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। वही हम ईमेल की बात करें तो यह इंटरनेट के माध्यम से पत्र एवं सूचनाओं को एक बटन दबाने के साथ ही दुनिया में किसी भी जगह पर भेजा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुविधा है जो हमें इस समय में मिली है। उसके पश्चात है टेली मेडिसिन। देखिए, इस विधि से डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर पर बैठे रोगियों का निरीक्षण कर लेता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माध्यम है। कहते हैं पहले के समय में बीमारी का इलाज बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन आज इंटरनेट के कारण जो है दूर बैठे डॉक्टर जो है मरीज को देख भी सकता है, सुन भी सकता है और उसका उपचार का जो है निदान भी बता सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इस प्रकार जो है विज्ञान उन्नति और प्रौद्योगिकी संचार प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और ये लोगों को बहुत ही करीब ला दिया है और दुनिया का एक वैश्विक गांव बना दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा विश्व जो है एक हो गया है। लेकिन कहा जाए कि कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, कुछ ज़रूरी है तो कुछ ख़राब भी है। तो इसी साथ दोस्तों ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आपको अगर अच्छा लगा तो अगर आप तिरपान से सेंटर को दिल से हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर समय समय पर हर तरह के वीडियो डालता है जो आपके फायदे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि आपको पता है कि 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डलता ही रहता है, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। और कोई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए सही नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए नहीं विचार ना कीजिए, आपके मोबाइल में जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब को, उसको दबाइए और तिरपान सिटी सेंटर से हमेशा के लिए जुड़ जाइए।